धर्म गुरुओं का मिला, आम जनता का मिला। आपको याद है मैंने 200 मेंबर पार्लियामेंट से बात कर रही थी उस वक्त, मुझे गर्व है सबने साथ दिया। परफॉर्मेंस फीड वाला मॉडल पूरे देश दुनिया में चला गया। बड़ा क्या हुआ उसके बाद में, उसके लिए आपके मुझे एक तारीफ एक शब्द नहीं आया। केरल के अंदर तो सरकार रिपीट इसलिए हो गई कि वहाँ का कोरोना मैनेजमेंट भी अच्छा शानदार रहा उनके हिसाब से। हम उनसे कम नहीं हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो केरल में माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी और गर्व होगा, आज इन सब स्थितियों के बावजूद भी आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है, उसके कारण आज हम देश के अंदर जीडीपी के अंदर नंबर 2 पे आ गए हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और नंबर 2 राजस्थान है देश के अंदर, मैं गर्व से कह सकता हूँ 11.04%, जबकि आपके शासन के अंदर 18-19 के अंदर आप लोग 2.37 पे आ गए थे जीडीपी में, 2.37 पे आ गए थे। उसके बाद में कोरोना भी आ गया, आर्थिक हालात भी बदल गए, उसके बावजूद हमें अभी 11.04% आर्थिक विकास दर हमारी रही है। इसको तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे इस बात को। हमने घोषणा पत्र के 80% वादे पूरे किए हैं, 20% प्रगतिरत थे, 94% बड़े घोषणाओं की स्वीकृति जारी कर दी हम लोगों ने। और अगर हम देखें अध्यक्ष महोदय पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी, तो आप पाएंगे कि जो भी चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, आपके वक्त में तो जब सरकार आपकी थी 8 बाई-इलेक्शन में 6 चुनाव हारे थे, याद है आपको। अभी हमारे वक्त में 9 चुनाव में 7 चुनाव जीते हैं। बीजेपी की एक जगह जवान जब्त हो गई है, ये थर्ड नंबर पे रहे हुए, मत बोलो आप लोग। जनता माई बाप होती है, कुछ सोच के मैं जिताया होगा और कुछ सोच के आपकी जवान जब्त कर रही होगी, ये आप दिमाग में रखें। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो केंद्रीय बजट कल आया था, उसमें सब जगह उन्होंने कम कर दिए हैं